छात्रों, आज हम लोग जो है इंटरमीडिएट जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जनन के बारे में सीखेंगे। जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। हम सभी जानते हैं कि जो है जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन का तात्पर्य होता है उत्पन्न होना। चाहे छोटे जंतु हो या पादप हो या बड़े जंतु या पादप हो, सभी में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और यह एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है सजीवों की। यह एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज से हमारा अर्थ यह होता है कि मतलब सभी प्राणी, अरस्तु जी ने कहा है कि सभी प्राणी अपने अनुसार, अपने संरचना अनुसार, अपने आकार के अनुसार जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अब हम लोग जानेंगे कि जनन कैसे होता है। हाँ, तो जनन जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। जनन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है और पहला वर्धि जनन, दूसरा कैलिंगी जनन और जो तीसरे प्रकार का जनन होता है यह लिंगी जनन सभी उच्च वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है। वर्धि जनन सरल जंतुओं, सरल पादपों में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग ले अमीबा की बात करें, अमीबा को अनेक टुकड़े कर दिया जाए और अमीबा के टुकड़ों में केंद्रक का यदि भाग हो, पोषक द्रव्य का भाग हो, तो वह अमीबा नए अमीबी को उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार प्लेनेरिया के जंतु को अनेकों टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्लेनेरिया का प्रत्येक टुकड़ा मतलब प्लेनेरिया में बदल जाता है। और इसी प्रकार से वर्धि जनन की बातें हम और भी जंतुओं में देखें तो मतलब यह अन्य भी सरल जंतुओं में पाई जाती है। एलिंगी जनन मुख्य रूप से शैवालों में, कवकों में, प्रोटोजोवन में पाया जाता है। और अलैंगिक जनन का अर्थ होता है कि जिसमें जो है लैंगिक जननांग के द्वारा अपने परिवार को उत्पन्न न करें उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इसी प्रकार सबसे जटिल जो जन्म होता है वो लिंगी जनन, जिसमें नर और मादा जननांग अलग अलग भी होते हैं। कहीं कहीं पर एक ही जंतु में नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। यह सबसे जटिल प्रकार का जनन होता है। इसमें तो जंतु भाग लेते हैं, इसलिए यह मतलब इसमें मतलब यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। आइए हम लोग आगे वर्धि जनन के बारे में बात करें। यह वीडियो जो है मतलब विद्यालय न चलने की स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं और यह व्यवस्था जो है मतलब जब तक यह लॉकडाउन रहेगा तब तक आप लोगों को पर्याप्त रूप से मिलता रहेगा। आगे जो है हम लोग वर्धि जनन के बारे में कुछ जंतुओं और कुछ पादपों के बारे में सीखेंगे।